हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप टाइटल पे देख पा रहे हो, हाँ इसी टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अभी के टाइम पे 90% ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है वो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो इसी के बारे में हर एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के ये डिटेल में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसी के बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बोला, सीबीटी मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये एक ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट होता है। लगभग हर एक स्टूडेंट्स को इसी के बारे में पता है। स्टेट गवर्नमेंट्स का कुछ एग्जाम को छोड़ के हर एक एग्जाम अभी ऑनलाइन बेस्ड होता है। तो चलिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ग्रुप डी लोको पायलट के लिए एक डेमो टेस्ट दिया हुआ है। एक्चुअल एग्जाम इंटरफेस उसका कैसा होगा उसी के बारे में आपको शो करके डिटेल में बता देता हूँ। चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आप जैसे देख पा रहे हो, ऐसे सेम एग्जाम इंटरफेस आपको एग्जाम हॉल में मिलने वाला है। ये रेलवे की तरफ से दिया हुआ एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल पोस्ट के टाइम पे एक डेमो टेस्ट है। ऐसे सेम टेस्ट आपको ग्रुप डी लोको पायलट हर एक में रहेगा, ठीक है। आप लेफ्ट साइड ऊपर में आप देख पाओगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। उसके ठीक नीचे आप देख पाओगे सिस्टम नेम। हर एक के नेम पे एक इंडिविजुअल कंप्यूटर असाइन होता है। ये सी का मतलब होता है कंप्यूटर, वहाँ पे 001002 जो भी रहेगा ये आपका सिस्टम नंबर होगा, ठीक है। उसके एकदम राइट साइड पे चला है जी, वहाँ पे कैंडिडेट नेम, वहाँ पे यहाँ पे जॉन स्मिथ जहाँ पे है वहाँ पे आपका नेम होगा। ये जॉन स्मिथ एक डेमो नेम है। उसके नीचे जो है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी लोको पायलट टेक्नीशियन जो भी हो यहाँ पे लिखा रहेगा। उसके ठीक बगल में जो है वहाँ पे आपका फोटोग्राफ रहेगा। ये फोटोग्राफ क्या होगा, ये आप रजिस्टर के टाइम पे जो फोटोग्राफ अपलोड किए थे सेम फोटोग्राफ आपको यहाँ पे मिलने वाला है, दिखाई देगा। अगर ये नहीं दिखाई देगा या दूसरे किसी का दिखाई देगा तो आप जरूर जाके इनविजिलेटर को कंप्लेन कीजिए। देखिए यहाँ पे सिस्टम नेम के नीचे भी ऐसे लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट इनविजिलेटर इफ द नेम एंड फोटोग्राफ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इज नॉट योर्स। इनविजिलेटर को आपको कंप्लेन करना होगा अगर नेम या फोटो दोनों में से एक एक अगर आपको मैच नहीं किया हो तो। उसके बाद आप लॉग इन पे चला जाइए। यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड आपको पुट करना होगा। यूजर नेम क्या होगा, ये आपको एडमिट कार्ड पे दिया होगा रहेगा। नॉर्मली रोल नंबर यूजर नेम होता है। ये कैसे पुट करना होगा, ये आपको वर्चुअल कीबोर्ड, देखिए एकदम लेफ्ट साइड में एक कीबोर्ड की तरह तरह एक पॉइंटर है वहाँ पे जाके आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको 1 2 3 4 जो भी आपका यूजर नेम है रोल नंबर है वो आपको पुट करना होगा। उसके बाद पासवर्ड भी सेम आपको वर्चुअल कीबोर्ड से आपको पासवर्ड पुट करना होगा। अगर पासवर्ड आप क्लियर करना चाहते हो या बैकस्पेस करना चाहते हो आप वर्चुअल कीबोर्ड से आपको करना होगा। फिजिकल कीबोर्ड यूज नहीं कर सकते हो, वो आप इंस्ट्रक्शन पे भी वो लोग बोल देंगे लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखिए। उसके बाद एग्जाम शुरू होने से 10 या 15 मिनट्स पहले आपको साइन इन करने का एक टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आप साइन इन कर लोगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नेट थोड़ा स्लो है इसीलिए लेट हो रहा है। उसके बाद को साइन इन करना होगा। अच्छा, वो लोग पहले से ही आपको बोल देंगे 10 या 15 मिनट पहले साइन इन करने के लिए, क्योंकि आप थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन के ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने का टाइम आपको मिल जाए, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसे वहाँ पे नेट बहुत ही फास्ट रहेगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत स्लो है इसीलिए इतना लेट हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। ये प्लीज वेट दिखा रहा है यानी स्लो होने की वजह से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको ऐसे ही एक पेज दिखाई देगा, सेम टू सेम पेज दिखाई देगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना होगा। उसके बाद आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना होता है, डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी ग्रुप डी पे बहुत सारा रहेगा, बंगाली मराठी उर्दू, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा। चेक बॉक्स पे क्लिक करने का मतलब क्या होता है, ये आप जो भी रूल्स एंड गाइड जो भी है वो आप फॉलो कर रहे हो। अच्छा, उसके बाद एक पॉपअप आएगा ठीक एग्जाम के टाइम पे। उसके बाद आपको ओके करके आई एम रेडी टू बिगिन करना होता है, ठीक है। उसके बाद तुरंत एग्जाम शुरू हो जाता है क्योंकि वहाँ पे नेट बहुत ही फास्ट है, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद ऐसे ही एक पेज आएगा जहाँ पे आपका क्वेश्चंस रहेगा, ऑप्शंस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इफ द कॉस्ट ऑफ एक्स मीटर्स ऑफ वेयर इज डी रुपीज देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वाई मीटर ऑफ सेम वेयर, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर इसका आंसर हम करेंगे तो डी वाई बाई एक्स होगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद क्या करना होगा, सबमिट सेव एंड नेक्स्ट, सॉरी। उसके बाद आप देख पाओगे एक नंबर पे ग्रीन हो चुका है, मतलब आप अटेम्प्ट कर दिए हो, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर पे क्या 15% ऑफ 34 kg। अच्छा, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 34 × 0.15 मतलब होगा 5.10, मतलब डी ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आप डी को मार्क करोगे, तो डी को मार्क करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। उसके बाद मतलब आप सेकेंड भी आप
सबमिट कर दियो। अगर आपको लगे किसी आंसर आप गलत कर दिए हो, आपको क्लियर करना होगा, तो आपको वहाँ पे जाना होगा, उसके बाद आपको क्लियर रिस्पॉन्स पे क्लिक करना होगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप मार्क फॉर रिव्यू करना चाहते हो, आगे के लिए रिव्यू करने के लिए आप मार्क करना चाहते हो, तो ये मार्क फॉर रिव्यू करोगे, उसके बाद आपको ऐसे ही सिंबल दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू विल बी कंसिडर्ड एज इवेल्युएशन। मतलब आपको क्या होगा, यहाँ पे बोल रहा है अगर आप मार्क करके एग्जाम को छोड़ दे तो एग्जाम खत्म हो जाता है, तो वो राइट करके काउंट हो जाएगा। तो आप, मेरा ये रिक्वेस्ट है, अगर आप मार्क फॉर रिव्यू मतलब करोगे, अगर आपके पास एक इनफ टाइम होगा तब भी आप करो, नहीं तो ना करो, ठीक है, क्योंकि ये राइट आंसर पे काउंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ये आई बटन पे क्लिक करोगे तो देखा देगा यहाँ पे आंसर कितने किए हो, कितने आंसर नहीं किए हो। देखो, टू आंसर, वन नॉट आंसर, 97 नॉट विजिटेड, ओके, कितना मार्क किए हो सभी दिखाई देगा, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे भी आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, जो भी है, लेकिन आपको पहले ही कर देना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। उसके बाद 100 क्वेश्चन होगा या 90 क्वेश्चन, जो भी हो, आपको सेम प्रोसेस से करना होगा, ठीक है। आपको एक के बाद एक क्वेश्चन आ जाएगा, आपको आंसर करना होगा, अगर आप क्लियर करना चाहते हो सेम प्रोसेस से क्लियर करना होगा। अच्छा, यहाँ पे सबमिट ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पे टाइम कितना हुआ है, टाइमर लगा हुआ रहेगा, आपको टाइम के हिसाब से आपको एग्जाम देना होगा, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे सबमिट है, लेकिन वहाँ पे सबमिट नहीं मिला, ऑटोमेटिकली टाइम खत्म होने से बाद आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपका दिखाई देगा कि आप कितने आंसर किए हो, कितने आंसर नहीं किए हो, कितने मार्क किए हो, ठीक है, सभी आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको यस कर देना होगा, उसके बाद आपको ओके कर देना होगा, ठीक है। ओके कर देने के बाद तुरंत बाद ही आपको एक पेज आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा लेट हो रहा है। अच्छा, ऐसे एक पेज आ जाएगा, यहाँ पे आपको रिव्यू करना होता है, लेकिन आप नहीं भी कर चलेगा, सबमिट करके ओके कर देना होगा, ठीक है। अच्छा, ओके करने के बाद आपको एक एग्जिट एग्जाम पेज आ जाएगा, यहाँ पे एग्जिट कर देना होगा। तो ऐसे ही सेम टू सेम आपका एग्जाम इंटरफेस एग्जाम में रहेगा। ये वीडियो एक दो बार आप देख लीजिए, उसके बाद बहुत सारे ऐसे साइट है जहाँ से आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, मॉक टेस्ट दे दीजिए, क्योंकि आपको एक हैबिट होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपको एग्जाम के बाद कुछ प्रोसेस होता है, उसके बाद वो प्रोसेस होने के बाद आप एग्जाम सेंटर से एग्जिट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड जो रेलवे एग्जाम दे रहा है उसके सभी के साथ शेयर कर लीजिए, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, मैं ऐसे वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।